चंदेल ने किया सेना का आह्वान, किया पीओके में घुसकर आतंकवादियों को सुअर की मौत मारे। हिंदुवादी भाजपा नेता श्री राजू चंदेल ने जम्मू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कायर गद्दार पाकिस्तान द्वारा राजधानी जम्मू में जो निहत्थे भारतीय नागरिकों पर आतंकवादियों द्वारा हमला कर उनकी हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भारतीय सेना तुरंत पाकिस्तान की कारियाना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे। लगातार कायर पाकिस्तान हमारे भारतीय लोगों का जम्मू कश्मीर में लगातार लहू बहाता चला रहा है। जम्मू राजौरी के ग्रामीणों की हत्या का बदला भारतीय सेना तुरंत ले। पीओके में घुसकर श्री चंदेल ने कहा कि कायर भिखारी पाकिस्तान का अंत समय आ गया है, उसके पाप के घरे को भारतीय फौज जल्दी फोड़ने वाली है। बार बार पाकिस्तान नापाक हरकतें कर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के फौजी और उसके पाले हुए आतंकवादी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय फौजियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। उसी की बौखलाहट का नतीजा है कि राजौरी में ग्रामीणों के ऊपर उसके किराए के आतंकवादियों ने जो यह आतंकवादी कार्रवाई कर हमारे निहत्थे जम्मू वासियों को कत्ल कर उन्हें शहीद किया है। श्री चंदेल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांस गिन रहा है। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय फौजों ने पाकिस्तान के आतंकवादी और आतंकवाद की कमर तोड़ कर रख दी है। बचे कुछ उसके किराए के आतंकवादियों को भी जल्दी भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस सुअर की मौत मारेगी। जय श्री राम। जम्मू कश्मीर सहित तमाम देश के पत्रकारों का यहाँ आने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बड़ा ही दुख का विषय है, कायर गद्दार पाकिस्तान की सोची समझी साजिश के तहत राजौरी जम्मू के डांगरी में जो निहत्थे बेगुनाह जम्मू निवासियों पर जो कायर आतंकवादियों ने कातिलाना हमला किया है, हमारे बेगुनाह भारतीयों का लहू बहाया है, उन्हें शहीद किया है, उनकी कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी। होशियार हो जाए भारतीय सेना। पाकिस्तान के गढ़ में घुस करके इन जम्मू के निहत्थे बेगुनाह लोगों की मौत का बदला लेगी। पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी भारतीय सेना। पीओके में घुस करके इनके आतंकवादी ठिकानों को तबाह करेंगे, इनकी मौत का बदला लेंगे। क्या कसूर था बेगुनाह लोगों का? बार बार मदद की गुहार करने वाला कंगाल भिखारी पाकिस्तान हमारे बेगुनाह लोगों का कब तक खून बहाता रहेगा? मैं आह्वान करना चाहता हूं अपनी सेना का कि पीओके में घुस करके इन निहत्थे बेगुनाह लोगों की मौत का बदला ले। पाकिस्तान को उसकी इसकी नापाक हरकतों का जवाब दे तुरंत। पाकिस्तान के कायर आतंकवादी, पाकिस्तान की फौज, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए सोची समझी साजिश के तहत हमारे बेगुनाह लोगों का लहू बहाने का कार्य कर रही है। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, इसका बदला लिया जाएगा बहुत जल्द। जय श्री राम, जय हिंद। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीटी न्यूज 24x7।